गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। वीडियो के इस अगली कड़ी में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए एक सूफी गीत। तन मन
जिसका प्यास बीते सावन, जिसका इसमें राग आधारित होने के बावजूद कुछ नोट्स ऐसे हैं जो उस राग के अतिरिक्त भी लगाए गए हैं, क्योंकि सुगम संगीत में हमें इस चीज की सुविधा होती है कि हम भावनात्मक प्रधानता को अगर देखें तो हम उन सुरों का प्रयोग कर सकें जो राग में नहीं होते हैं। चलिए, तो ये सूफी गीत सुगम संगीत आधारित थी और कुछ अंग जो इसमें जो तान जो वगैरह थे कुछ तो ये सभी सब प्रयोग होते हैं। तो अब मैं आपको इसके कुछ नोट्स बताता हूं ताकि आप इसे खुद से घर पर आप प्रैक्टिस कर सकें और इसे बजा सकें। जैसे पहला इसका स्थाई हमने गाया लगे म प म
मेरे आगने को हेरे सके मोरे पे अगर सेकंड लाइन जो क्रॉस लाइन एज इट इज अपने पे उसमें हमने क्या था हेरे सके या अपने पे सके मरे सारी पमगरे दोनों ग का प्रयोग करें सारी पम नी पम ग गे सके धनी का
सावन पाते हैं वो फोन कर हमसे पूछते हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है कि वो जहाँ उन्हें कन्फ्यूज़न होती है, जहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, वो मुझसे संपर्क कर उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन तमाम बच्चों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं उनका कि लॉकडाउन में इसके बावजूद भी जहाँ हम वीडियो के माध्यम से मिल पाते हैं, हम आपको कुछ ना कुछ फ़ोन करके भी हम उन्हें बताते हैं जहाँ उन्हें कोई दिक्कतदारी महसूस होती। तो मैं बाकी उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जिन्हें कुछ दिक्कतदारियाँ महसूस हो रही हों गाने में बजाने में, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बेशक मुझे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आप सबसे विदा चाहते हैं और हम आपके अच्छे दिनों की शुभकामना करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी दिल से करें। हमारी शुभकामनाएं आप तमाम बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।